उसको शांत करना पड़ेगा। इसका मतलब है उसको बाद में जैसे अज्ञान में जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रखा, अभी उसने नारायण नाम रखा तो अभी नारायण बोलते 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 अभी लास्ट में जब दूसरों को देख करके उन्होंने अपना बेटे को नारायण शब्द बोल दिया, नारायण इधर आ गया नारायण, इतना बोलते ही जो चंदुद्वार हिंदुद्वार नारायण पहले की चंदुद्वार थे क्योंकि जी जो कर्म करना है चार मन बनते थे, फिर मैंने कहा जुगुद्वार बोले राम राम अभी कर्म बड़े काम प्राप्त होगा बड़े झगड़ा हो फिर विष्णु जो बने हरिनाम की महिमा को बताए भगवान का नाम उसने कर दिए, बोले जब इसने अपना पेटा का नाम नारायण कर दिया था उसको सारे पाप खत्म हो गया था। उसको बाद में जब उसने नारायण नारायण बोल करके बारम्बार बुलाया जैसे हम भजन करते हैं माला, लेकिन अंतिम समय जो उसने नारायण नाम दिया रणवीर ठाकुर जी ये विदेश दिखाए, फिर उन्होंने बताया चार तरह से भगवान का नाम जीत का कल्याण करते हैं, भगवान का नाम जी को कल्याण करते हैं। संकेत का मतलब विचार करना, पारिनाथ का मतलब अधिक लक्ष्मण का नाम ले लिया तो शोभम मतलब उठाने कीर्तन को द्वारा कीर्तन को द्वारा भी हाँ शोभम हेला मतलब हेला में भगवान का नाम ले लिया फिर भगवान का नाम जी का कल्याण करता है उन लोगों के उदाहरण दिया। लेकिन अज्ञान को लेकर गए वो कोशिश कर रहा था प्रणाम करने के लिए, लेकिन सारे विष्णु को असर किया तो वो मरा नहीं, हरिद्वार में गया भजन किया, जब भजन किया फिर कोई चार दूसरा पाप करते हैं परिक्रमा में चलो, उसने प्रश्न किया पहला बार जब आप आए थे मैं आपसे बात करना चाह रहा था प्रणाम करना चाह रहा था, लेकिन चिंता नहीं किया हम से बात कर रहे हो प्रणाम भी कर रहे हो ले रहे हो तो नहीं तो देखो जब तुमने भगवान का नाम को उच्चारण किया था तुम्हारी केवल पाप ही नष्ट हुआ था, लेकिन भगवत प्राप्ति का उपाय केवल भगवत प्रेम है, पाप दूर होने से जी भगवत प्राप्त नहीं कर सकता है, तुम्हारे केवल पाप ही दूर हो रहा था, अभी तुमने आकर के हरिद्वार में भजन किया, अभी भजन करते 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 धीरे 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 साधु संगत भजन किया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव उत्पन्न, अभी भगवान का प्रति तुम्हारी प्रेम उत्पन्न हुआ है, तभी हम लोग तुम्हारे साथ में हम बात करते हैं, हम सबके साथ में बात नहीं करते। चलो रात बैठो बैठो, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने सारे संकट को निकाल दिया, धूल को निकाल दिया, सारे कांटा को निकाल दिया, उसको बाद में छोड़ नहीं, उसको बाद में उन्होंने उसको पानी को द्वारा उसको पूरा अच्छे तरह से पानी को द्वारा जो धो करके उसको दूसरी तरह करते उसको ठंडा और उज्ज्वल करते, इसका मतलब है सारे हृदय से अनर्थ को निकालना की वजह का नहीं, उसको बाहर हृदय को ठंडा करना पड़ेगा, वो कई से होगा बल्कि साधन करने को प्रेरित होगा। कल्पना पर प्रभुपाद कह रहे थे वो क्या चीज है जो महाप्रभु सारे चीज को निकाल तो गए अन्य क्रिया पिता पुण्य ज्ञान कर्मादि अनाकृतम आनुकूल्येन कृष्णानुकूलम् भक्ति रूपम अन्य क्रिया पिता पुण्य तथा उसमें जो कांटा है वो कांटा क्या है, क्योंकि जो कांटा है इतने तरह हमारा अभ्यास है कृष्ण भक्ति को छोड़ करके जगत में इतने तरह का हमारा सामना वासना है, कभी यही कांटा है, कांटा क्या करता है जीवा कांटा किसको शरीर लगा क्या करता है कांटा लगाने पर और चुप कांटे
ये जो भगवान भक्ति में जो तरह तरह का जो कामना वासना है कभी कांटा है, मतलब कांटा जो कुछ बात आ रही उसी तरह जो कामना वासना है ये जीव को भगवान को पास में जाने नहीं देता। इसलिए हम संसार में एक कामना वासना को बढ़ाई हम आप होंगे, जैसे भरत महाराज जी इतने साधन वगैरह किया लेकिन उनका आसक्ति ना हो गई, आसक्ति हो गई एक घृणा की आसक्ति हो गई, वो घृणा का भी आसक्ति हो गई तो तीन जन्म तो घृणा तीन जन्म तो उनका अनुभव क्या जन्म है वो कहा भाव के नाम से वही तो उनको कतल हुआ है। इसलिए हमारा हृदय में कृष्णा भक्ति को छोड़ करके और जितने तरह का हमारा हृदय में ये सारे कामना वासना में तब यही ये कांटा है जो कि भगवत तरफ में हमें देखे जाने नहीं देता। और कांटा क्या करता है चुभा है, ये कामना वासना में हमें क्या करता है जो प्रकट करता है, जैसे हमारा हृदय में कोई कामना वासना प्रकट हुई अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा दुखी हो जाते हैं, अरे हमें ये चीज दिया नहीं, हम उस व्यक्ति का पास में कितना बढ़िया गाड़ी हमारे पास में कोई गाड़ी नहीं, हमारे पड़ोस के पास में देखो इतना सुंदर गाड़ी हमारे पास में नहीं, वो इतने बढ़िया कपड़ा पहनता है इतना बढ़िया जीवन का व्यवहार करता है हमारे पास में तो कुछ नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह सभी को खाचार बनता था, ये जीव को भगवान का तरफ में न्याय में देता है। यदि जितने तरह का कृष्णा सेवा को छोड़ करके कृष्णा पृथ्वी को छोड़ करके जितने सारे हृदय और जितने कामना वासना है तभी यही कांटा जी को सीखता है, हमें आगे बढ़ने देता है तभी ये कांटा है। फिर उसको कल्पना किया जिसको महापुरुष ने वो कंकड़ को हटाए, लेकिन कंकड़ क्या है कभी ज्ञान है, फिर एक तो अन्याय विराजता हो गया दूसरा ने ज्ञान है, ज्ञान मतलब यहाँ पर ज्ञान जो करता है एक तो ब्रह्म ज्ञान जो जीत चाहता है वो ब्रह्म में ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहता है और एक ज्ञान सत्य ज्ञान है। इसलिए वहां पर ये नहीं बताया ज्ञान कर्म की अनादिता, यहाँ पर बताया ज्ञान और कर्म को थोड़ा झगड़ी नहीं चाहिए, यहाँ पर ये नहीं बताया ज्ञान कर्म को छोड़ दो, उन्हें छोड़ने की बात नहीं बताई, ज्ञान कर्म के द्वारा ये झगड़ी नहीं चाहिए। इसका मतलब है जैसे अपने हम कथा सुन रहे हैं इसलिए श्री कृष्णदास कहते हैं सिद्धांत बोलिया से नाकर आलस जहाँ हमसे कृष्ण लागे दुर्दृढ़ मान, जो सिद्धांत जो तत्व विचार है बस उसमें अलग करने करनी चाहिए, कितने तरह का सेवा पड़ा कितने तरह का नामा पड़ा भक्ति का अंग क्या है कृष्ण कौन है राधा कौन है भक्ति तत्व क्या है प्रेम तत्व क्या है की तत्व क्या है गुरु तत्व क्या है वैष्णव तत्व क्या है, फिर जब तक ये चीज को हम नहीं जानेंगे भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसी तरह बाबू गोस्वामी महाराज क्या करते थे बोले जिसको जितने ये वैष्णव सभी में अच्छे तरह से उसको जितना पता है उसका भक्ति भी उतना प्रिय है, इसको जितने जितना कमजोर हिस्सा है वो भक्ति उतना पता नहीं, अगर कमजोर होगा तो तत्व ज्ञान पता नहीं होगा, कोई व्यक्ति आ गए तो इधर उधर बोल दिया बात मन झट गई आपको सही बता रहे नहीं, अपना हमारा जो कौन जो भी कर सके जो सिद्धांत है तत्व है हमें इसमें एकदम पक्का होनी चाहिए, पहले तो अपना मन को तो दृढ़ बनाओ हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं उसमें कितना मिलेगा वो थोड़ी सी आदत को इधर उधर बोल दिया देखा हम बड़ी मुझे देखा सतमुख से बात है वो कैसे कर रहा है वो कैसे कर रहा है वो कैसे कर रहा है और कैसे कैसे बोला
इसलिए एकदम भक्ति विचार करके एकदम पक्का नहीं चलना हमारी। इसलिए ज्ञान ने छोड़ने के लिए बताया कि जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान है, यहाँ पर ये व्यक्तिगत ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर बोले महाप्रभु शंकर को ही उतना कहा। इसका मतलब है जब तक हमारे हृदय में ये रहेगा हम कोई ब्रह्म देवी भी नहीं हो जाए। ये ब्रह्म देवी ने अपना तथा उल्लेख करने के संसार में तथा करते कहा करते सब इच्छा में मुक्ति मिल जाए। हम मुक्ति मिल करके वहां ब्रह्म में लीन हो गया तथा लोग जन्म नहीं जंतु नहीं दुख नहीं कष्ट नहीं हमें संपूर्ण मुक्ति मिली। ये भक्ति में विरोध है। यहाँ पर प्रभु बात कह रहे हैं जब महाप्रभु महाप्रभु नाथ ने ये प्रकाश सरस्वती का भेंट हुआ है। महाप्रभु कहते हैं यदि तीन लोग को जो मेरे को स्तुति करते हैं ज्ञानी लोग जो भगवान को स्तुति करते हैं इतने भगवान का स्तुति कर करते थे बराबर फिर हम नकल कर दो तू कर रहे हो कर निकाल महापुरुष कह रहे हैं तुम लोग मेरे स्वरूप को मानते नहीं। तुम तो बोलते हो जिला ज्योति है जो कृष्ण का जो रूप देख रहे हैं ज्ञानी अपने कृष्ण का रूप है कभी वही कभी जो ब्रह्म था उसको माया पकड़ लिया असर के पर जो ब्रह्म है वो जो कृष्ण बनकर के आया है तो ये ब्रह्म ही अभी इसी बनकर के आया। जब ये कृष्ण को मुक्ति मिल जाएगा तब ये कृष्ण भी उसी ब्रह्म में जाकर लेकिन ये भगवान का जो लीला हो वो नित्य नहीं मानते हैं इसको अनित्य मानते हैं। ये दो ब्रह्म ही वो कृष्ण मंत्र का या वो किसी भी मुक्ति हो जाएगी उनको भी उधार हो जाएगा। लेकिन ये भगवान का लीला नित्य है यदि लीला सत्य है वास्तव है ये चीज को ये लोग नहीं मानते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये लोग मेरे को जो स्तुति करते हैं वो मेरे शरीर में तीन जैसी चुनता है क्योंकि जब मेरे स्वरूप को नहीं मानते हो जब मेरे लीला को नित्य नहीं मानते हो मेरे स्वरूप को जब तुम अनित्य मान रहे हो मेरे स्तुति तब उसको कर रहे हो। इसलिए भागवत का जो दूसरा श्लोक बताया धर्म जिसमें ये ज्ञान को संपूर्ण निकाल दिया ये ब्रह्म ज्ञान को संपूर्ण निकाल दिया गया बल्कि ये सबसे बड़ा ये कपटता है। सबसे बड़ा कपटता बोले तुम कपटता नहीं कहते ये ज्ञान को सबसे बड़ा जो ब्रह्म जो तुम्हें यही हो जाते उसको कपटता नहीं कहते बोल बोले क्यों उसको वो कपटता कहते इसको कृष्णदास कल्याण के स्थान बोले धर्म अर्थ काम इसको तो कोई स्थान नहीं दिया बोले उसमें जो मोक्ष है बोले मोक्ष के बाद का कैसव करना बल्कि मुक्ति को भी सबसे बड़ा कवस्था माने बोले क्या है कृष्ण भक्ति हर अंतर ज्ञान जिसको द्वारा कृष्ण भक्ति संपूर्ण हृदय से अंतर ज्ञान नष्ट हो जाता है ये ज्ञान को सबसे बड़ा कवस्था माने। क्यों कवस्था माने कारण क्या है इसको कवस्था क्यों माना जो लोग ब्रह्म ज्योति में यही हो जाना चाहते हैं सब चाह में मुक्ति हो जाए मुक्ति हो जाए लेकिन इसको ये कवस्था क्यों बोल रहे हैं इसमें क्या कीजिए कवस्था कौन बोले कुछ बोले कपड़ा का क्यों बोलते हैं क्या कौन बोल इसमें
इसमें बताया क्यों उसको सबसे बड़ा कपड़ा समान लिए, कारण बताया, कारण उसका कारण है ये लोग क्यों मुक्ति होना चाहते हैं। जब संसार में दूर रहे कष्ट है, जब तक जन्म ले तब तक दुख और कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस सब संसार में हो सकने का है। इसलिए जब न रहेगा बांस न रहेगी मृत्यु, मतलब जब तक जगह जन्म करेंगे आएंगे संसार में आएंगे तभी तो दुख कष्ट मिलेगा। इसलिए क्या करो बांस निर्माण तो ब्रह्म में अपना को लिए कर दो। यदि इसको कपड़ता के मान कर पाएंगे लेकिन हम जो कर्तव्य को जी रहे वो कौन है, तो ईश्वर अंत जी अभिनाशी जी ईश्वर का ही अंत है, हम ठाकुर जी का अंत है। बिल्कुल जीवन स्वरूप है कृष्ण निकला जी का जो स्वरूप है वो भगवान का निश्चय सेवक है। इसलिए निश्चय सेवक होने का नाते हमारा जो कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। इसलिए भक्त लोग कहते प्रभु आप हम किसी स्थिति में क्यों नहीं करते, दुख में सुख में किसी स्थिति में क्यों नहीं रखे, इसलिए तुम्हारी सेवा नहीं छूटे, तुम्हारी भक्ति नहीं छूटे, तुम्हारी सेवा करते रहते। फिर हमारा धर्म भी तुम्हारी सेवकाएं करना ही हमारे धर्म में है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान से भी मतलब है, वो अपना से मतलब है, स्वार्थ है। इसलिए कपटता इसलिए कहते हैं तुम जो सही चीज हो, तुम भगवान की निकट सेवक हो, तुम उसको सेवा करके अपना स्वार्थ का वजह से हम ब्रह्म जी मिल जाएंगे। जन्म तुम्हें ठाकुर जी का किया हुआ, ठाकुर जी को किया हुआ भक्ति कहते हैं। हनुमान जी क्या कहना है, बोले राम सबसे बाजूरा विश्राम विश्राम राम का जोड़ा का विश्राम राधा अपने घर करके ही करता, उनका नाम ही राधा दिन भर रखते हैं। आराधना दिन भर कृष्ण की भक्ति बनाती है, कृष्ण की पूज्य बनाती है, कृष्ण के लिए सारा दिन सेवा करती है। वो क्या दिन भर करते हैं, क्या दिन भर कृष्ण की सेवा करते हैं, तथा लोग क्या करते हैं सेवक लोग दिन भर उनकी सेवा करते हैं। भक्ति मतलब क्या है, बोले भक्ति मतलब भाव धातु से भया, भक्ति मतलब होता है ठाकुर की सेवा की भक्ति। इसलिए बड़ी सबसे बड़ा कष्टता है, इसलिए महाप्रभु इसलिए हमारे श्री जी गोस्वामी भक्ति रघुनामृत सिंधु में कहते हैं, बोले भुक्ति मुक्ति स्प्रिया निकासी जावत हृदय वर्तते तावत कृष्ण भक्ति दुखस्य कथम अद्भुत है। जब तक इस मार्ग में भुक्ति मुक्ति की क्रिया दिशा दी, यह दिशा को तत्व प्रयोग किया दिशा को तत्व भूल दिशा कर, जब तक तुम्हारी हृदय में रहेगी ये कृष्ण भक्ति कहाँ प्रकट हो सकती है। जी गोस्वामी एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, उदाहरण देते हैं उसको पिता जी बताया। आप देखना भूख लगता था देखे हो कभी, भूल का सवाल होता है कभी देखे हो कभी, आप लोग देखेंगे भूल का सवाल होता है। जब उसको पर भूख का सवाल होता है आप देखना एक एक व्यक्ति पांच पांच दस दस व्यक्ति का खाना खा ले, क्योंकि पूरे का भूख का था लेकिन खाता तो पांच पांच दस दस व्यक्ति का आहार, लेकिन शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, धीरे 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 उसका पूर्ण मादल को उसका रखना चाहिए, धीरे धीरे वो आदमी उठते जाएगा। अगर भैया प्रश्न है वो पांच पांच दस दस व्यक्ति का खाना को खा रहे हैं फिर सब शरीर सिस्टम में जा रहा है, बल्कि ऊपर से देखता है वो खाना खा रहे हैं बल्कि उसको कुछ मिलता नहीं, वो मिलता है उसका अंदर में जो भूत बैठा हुआ है वो खाने के लिए खा रहा है। तब यहाँ रुको प्रश्न करेंगे जो ज्ञानी लोग जैसे हम खाने का कीर्तन आरत की पूजा सेवा करते हैं उनको देखो वो भी वही करते हैं, वो भी कृष्ण कथा सुनाएंगे राधा की कथा वो भी एक कथा सुनाएंगे, लेकिन सर उनका हृदय में ये ज्ञान की जो पिहार को बैठा हुआ जब वो जो भक्ति का अनुभव ऊपर जाते हैं कहते हैं फल नहीं हो, तो हृदय में उसकी जो पिहार बैठा हुआ वो सब कुछ ग्रहण कर लेगा, उनको कोई भक्ति का अनुभव का फल नहीं मिलेगा। इसलिए महाप्रभु बताते जब तक हृदय में तुम्हारी
ये ज्ञान की भावना रही थी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए जन्म से भी भगवान की तरह सत्य हृदय से निकाल हृदय से निकाल उसको बाद क्या निकाल ये भूत पहले संकट निकाल दिया फिर उन्हें भूत उधार से निकाल धूल को भले धूल किया कभी धूल कभी कर्म यदि कर्म त्याग करें जिस चीज पर हम सारे मन वाक्य को द्वारा जिसको कहते हैं पानी को द्वारा करते हैं बस वो कर्म क्या है कर्म कहते किसको फिर भैया दान करें हम दान करें गई दुख दर्द दान करें इसलिए जल कोई तालाब खुदा करके घर से जाल खोलते हैं दुखी दर्दों को खिलाएंगे इसको मदद करेंगे उसको मदद करेंगे फिर ये कर्म करेंगे अरे कर्म के कारण क्यों कर रहे इसको कर रहे हैं क्यों फिर करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा फिर स्वर्ग में जाकर क्या करोगे अमृत किए वहां पर भरवा ऊपर महीने का बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं फिर वहां जाकर के हम विषय भोग करेंगे विषय भोग करेंगे है इसलिए कहते कर्मों को इसलिए वो लोग करते हैं वो ठाकुर की सेवा के लिए हम कैसे इसे दान में करके खून से इसे भोग भोग करेंगे हमारे लिए जब तक इस संसार में रहेंगे कर्म मतलब करते हैं जब तक इस संसार में रहेंगे खूब भोग करेंगे खूब भोग करेंगे संसार में जब जिसको करते हैं कर्म कोई कोई व्यक्ति ये कर्मों के द्वारा ये कर्मों के द्वारा तुम सोचते हैं जैसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे कर्म से ये कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो ये कर्म करके एक उदाहरण दिया इसमें कहते ये कर्म करके एक शक्तिशाली जैसे हाथी है एक हाथी को तालाब में डाल दो बढ़िया अच्छे तरह से बाल बाल स्नान करा पर हाथी जब फिर ऊपर उठता है ना वो सबसे पहले धूल उठे कहाँ पर ये धूल है वो धूल पर कड़े फैल जाए तो जितने समय स्नान कराया गया उतना समय तो सही आपके बाद में फिर देखी हो रही फिर उसी तरह ये बड़े बड़े देखना जो फेट लोग हैं ना घी में चल मिला देंगे चावल में संतरा मिला देंगे सब चीज को मिला कर मिला कर उसके ऊपर खूब फिर उसको भीगेंगे खूब पैसा कमाएंगे पैसा कमा के क्या करेंगे अरे कितने पाप से हमने पैसा कमाया चलो आप को समझ का कितना कर लेंगे नहीं तो कुछ खुशी घर पर मिला देंगे फिर क्रिया में कुछ कुछ दाना डाल देंगे कुछ आ करके शून्य कर्म कर देंगे उनको पता है हमने ये धूप देना नहीं है और उल्टा सीधा मिला मिलावट क्या प्रजीत जी को जितना बेचनी चाहिए उसमें गलती झूठ झूठ बोल बात लेकर ने इस चीज में हमने पैसा कमाया तो इस पैसा को हम अच्छे काम में लगा लेते लेकिन उसको कर दिया फिर क्या किया आज तक दुनिया में कर देगा लेकिन हाथी को मेरे तालाब में स्नान तक करा दिया लेकिन फिर क्या करते हाथी सारे भूल को फेर देने लगा लेता है ये जो कर्म है तो ये कर्म को करने के लिए ये कर्म बंधन किसी मुक्त जो सुनना है इसलिए वो धीरे 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 उसमें दल दल में ये फंसते जाता है कर्मों के द्वारा इसलिए यहाँ पर बताए महाप्रभु जो उस भूल को जो निकाल रहे हैं इसका मतलब हृदय से तुम्हारे इतने भोग की वासना है इतने सारे भोग की वासना हृदय से निकाल करते हैं हृदय से भोग का वासना करते फिर उसने ये चीज को निकाल दिया निकाल करके महाप्रभु को फिर संकट मिल गया उन्होंने क्या किया महाप्रभु फिर उन्होंने पानी ला पानी ला पानी ला करके फिर मंदिर को धो उसको एकदम सिंपल कर साफ सुथरा कर उन्होंने इसका मतलब हमने हृदय से किसी को निकाल दिया ज्ञान कर्म अन्य विरासता ये सारी चीज को निकाल दिया उसको बाद में फिर भगवान की भक्ति करनी चाहिए इसको निकालना सबसे बाद में फिर भगवान की भक्ति करनी चाहिए भगवान की घंटा करना दान
विस्तर उनकी तब उनकी इधर से जो करनी चाहिए है उसमें निकाल करके फिर बेटा कहीं कहीं पर अपना दाल है अभी भी कहीं कहीं पर अपना दाल है फिर महाप्रभु क्या करते हैं वो अपना कपड़े को लेकर भीगते हैं वो अपना कपड़े को लेकर भीग रहे हैं भीग भीग कर उसको निकाल रहे हैं बोले ये क्या चीज तो ये क्या चीज है क्योंकि हृदय से तो ज्ञान कर्मों को तो निकाल दिया लेकिन हृदय और को बुरा दिया है प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठा को छोड़ना बड़ा अब अपना बीवी को छोड़ सकते हो बच्चे को छोड़ सकते हो सारा दुनिया को छोड़ सकते हो लेकिन आप प्रतिष्ठा नहीं सकते प्रतिष्ठा करने के हृदय से ये प्रतिष्ठा नहीं करना जितने लड़ाई झगड़ा जितने पद को लेकर के जितना देना जहां जितने हर पद को लेकर के कौन बड़ा बनेगा हमारा जगत में हमारी नाम होनी चाहिए पद को लेकर जितने झगड़ा झगड़ा देना जब हृदय से ये प्रतिष्ठा सहन में नहीं आती हृदय ये अंतर हृदय में बैठा हुआ रहता है ये प्रतिष्ठा जिसे कहते भैया इसे श्री रघुनाथ दास को बताया प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सफर बहने सिद्धि नशे कथन साधु जगत दृढ़ प्रकट वो कहते हैं प्रतिष्ठा का शिक्षा शपथ रमन श्री रघुनाथ दास को नन शिक्षा ने बताए ये प्रतिष्ठा का आशा क्या है प्रतिष्ठा का शिक्षा शपथ रमन ये चंडाल ने बताया चंडाल ने बताया ये चंडाल इसलिए ये चंडाल की हृदय बैठी हुई श्री जब तक ये प्रतिष्ठा का शिक्षा कामना वासना से चंडाल तुम्हारे हृदय बैठेगी तो साधु प्रेम कहाँ तुम्हारे हृदय में वो कहाँ प्रकट हो सकता है इसलिए प्रतिष्ठा का वहां पर बताया प्रतिष्ठा सुपरी निष्ठा जो प्रतिष्ठा को बताया जो चुअर है उसका निष्ठा के साथ में उदाहरण दिया चुअर का निष्ठा के साथ में ये प्रतिष्ठा का उदाहरण दिया है इसलिए ये प्रतिष्ठा का तो हृदय से हृदय से निकालनी चाहिए अरे कुटी ना की प्रतिष्ठा को निकाल दिया भैया ये कुटी नाती को निकालनी चाहिए तो ये कुटी नाती मतलब वो मतलब खराब ना मतलब नहीं इसलिए कुटी नाती किसको कहते हैं कुटी नाती कहते हैं हम ऊपर से एक और अंदर से और एक लेकिन हम ऊपर में दिखाने के लिए एक है लेकिन अंदर में हम और कोई रूप रहे इसलिए दर्शन में ठाकुर कहते हैं अंतर पाए मन व्यवहार अमानी मानद अनुभव जब बाहर और भीतर हमें एक लेकिन बाहर है हमें किसी भीतर भी हम एक होनी चाहिए बाहर बाहर में इसको दूर करने के लिए हम एक बात करें अंदर में हम अंदर अंदर और दीदी की कपड़ता भी रहती है ये कहते हैं ये कपड़ता को हमें प्यार करनी चाहिए उसके बाद में निश्चित आचार निश्चित आचार तो निश्चित आचार मतलब क्या है जो चीज भक्ति में प्रतिकूल भक्ति में जो चीज भक्ति में हमें शुद्ध बने रहना है कैसे निश्चित आचार निश्चित आचार को हमें निकालना चाहिए सर्वोपाल कहते हैं भैया ये निश्चित आचार क्या है कहते निश्चित आचार मतलब बताते हैं कहते स्थान इसलिए भक्ति में दो चीज बताए असत संग त्याग एक वैष्णव आचार वैष्णव का जो आचार है असत संग को त्याग नहीं चाहिए वो क्या है तो स्त्री संग की एक आधार हो कृष्ण अभाव का तो दो संग संग को नहीं चाहिए तो जो व्यक्ति संसार करो हाथी सुधार करके अपना प्रकृति को साथ में ग्रहण कर नहीं चाहिए हाँ? अपना साधन सुधार करके प्रकृति को साथ में ग्रहण कर नहीं चाहिए
इसके बिना शादी के जो अवैध रूप से स्त्री जन्म करते वहां पर पाप है। और यहां पर बताया स्त्री संति एक असाधु, स्त्री संत करता है पैदा कर असाधु, यहाँ संत का मतलब आसन, यह संत मतलब कटे स्त्री को साथ में रहता बुरी बात नहीं पत्नी को साथ में, लेकिन यहाँ आसक्ति पत्नी कौन है कृष्ण का, हम कृष्ण के रथ लिए चिंता किया है, इसलिए दोनों निश्चय हम गुरु वैष्णव कृष्ण के नाम सेवा करेंगे, इसलिए श्री संत के आसार हो कृष्ण अभक्त रहा है, जो व्यक्ति कृष्ण के जो अभक्त है जो कृष्ण के भक्त नहीं फिर वो दो तीन घर में त्याग करनी चाहिए, जैसे श्री संत की कर्मी ज्ञानी अन्य विवाह स्थिति में कृष्ण कृष्ण के अभक्त है दूर रहने चाहिए। और कहते तो जीव हिंसा हमें जीव को हिंसा नहीं करनी चाहिए, बोले जीव हिंसा क्या है, कहते जीव हिंसा क्या है, जीव हिंसा साधारण रूप में आया है जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाना ये एक जीव हिंसा है, लेकिन यहाँ बहुत बार कहते हैं जीव हिंसा मतलब होता है हम शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करते, शुद्ध भक्ति को हम प्रचार नहीं करते, जीव जैसे चाहते हैं कई कथा होना है, जीव जैसे चाहते हैं शुद्ध भक्ति को विषय पर नहीं बोल सकते, विधा भक्ति अरे जो कुछ करना करो याद करना जो कुछ करो बदला को कुछ मतलब आए वो क्या बोलते हैं, जो इच्छा जो कुछ करो, जो इच्छा जो खाओ जो मांस मछली खाओ, और जब रात में सोते हमें बार एक बार मेरा कुछ नाम ले लो और आग अगर सबसे हो जाए हमारे पेड़ बन जाओ, हम सोच नहीं सकते बंगाल में इतने निश्चय इतने निश्चय एक काला करने का संप्रदाय इतने भ्रष्टाचार में सोच नहीं सकते, उस पर श्री प्रसाद को श्री प्रसाद को मांस मछली खाना जो कुछ करना करो कोई मतलब नहीं, लोग कुछ नहीं आए एक बालक करना चाहिए वहां पर, अभी आप दूसरे पहले गए थे प्रचार करने के लिए बंगाल में जहाँ हरे राम का हम सोच नहीं सकते घर घर में घर उनको पता नहीं हम विज्ञान कर लेने चाहिए विज्ञान कर मैंने उनके साथ में उनको पता है हाँ, लेकिन कहाँ से विज्ञान कर लेंगे सब कुछ कर लेना मांस मछली पांच बीस इधर उधर कुछ मना नहीं जो कुछ करना है उसका शिक्षा मिलती है, तो यही जीव हिंसा है, इसे प्रभुपाद कहते हैं ये जीव हिंसा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करना यही जीव हिंसा है, इसलिए हमें लोगों को मन से चाहते हैं ऐसे भक्ति प्रचार नहीं करने चाहिए हाँ। और कहते हैं यहाँ कुटना भी क्या है, ये कुटना भी पहले इतना कपटता है तो ये कुटना भी क्या, तो प्रभुपाद कहते हैं कुटना भी का मतलब है जो लोग निर्जन भजन करना चाहते हैं धातु संतों के साथ में भक्तों के साथ में अकेले आप बंद करके नाक बंद करके बैठेंगे और सजने में राम मर करके बोले केवल हम दूध पीते हैं और कुछ खाते हैं केवल फल अपार जवाब है, इसलिए दूसरों को धोखा दे करके लोग हमें बहुत प्रख्यात कर सकते हम किसी बात नहीं करते हम किसी मतलब कुछ नहीं करते हैं एकांत में कहीं बैठ करके हम तो लोग हमको पता चले अरे वो बड़ा बात है कुछ खाता है पहले मैं घास वाला हुआ जंगल में बैठता नहीं जब प्रभुपाद बोले यही पूछना चाहिए क्यों तुम भजन कर रहे हो, वो अंदर एक और बाहर ही थे अंदर के सोच रहे दुनिया में साधु को सोच रहे हम पूजा करें लेकिन ऊपर में तुमने ये साधु का रूप तुमने ऊपर धारण कर लिया ये सब कैसा तुम्हें सोचना चाहिए, लेकिन ये सब चीज को हमें परित्याग करनी चाहिए। फिर महाप्रभु ने फिर उन्हें क्या किया, फिर गीत गीत करके वो जो दाग को उन्होंने हटाया गीत गीत करके, और यहाँ पर प्रभुपाद को कहते हैं हमारे हृदय में तरह तरह की प्रतिष्ठा वासना तरह तरह
यदि ये रात्रि का मतलब है जैसे अभी धूप बहुत गर्मी है, गर्मी में इसको कारण कष्ट होता है, गर्मी के कारण कष्ट होता है, तो उसी तरह ये जो आत्मा है ये भगवान का निश्चय जरूर है। वो हर समय यही चाहता है हम निष्पक्ष होकर के निष्काम होकर के हम सब दूर चला गए, ये आत्मा की ही जरूरती है। लेकिन हमारे हृदय की जो तरह तरह जो कामना वासना है यही ये करनी, मतलब आत्मा को जो सुखद वृत्ति उसको प्रकाश होने में दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उसको गीत गीत कर विशाल सिंह को महाप्रभु निकाल करके पानी दे करके एक बार ठंडा किया। ठंडा मतलब क्या, पानी देकर ठंडा मतलब क्या, हृदय शांत होनी चाहिए। इसी तरह का जब कामना रखना रहेगा हृदय में आग लग जाएगी, इसलिए सारे कामना रखना चाहिए कि केवल निष्पक्ष होकर गुरु वैष्णव ठाकुर की सेवा करना। फिर महाप्रभु क्या कर रहे थे, जब सेवा कर रहे थे जैसे एक दूसरे को पानी दे रहे थे, कृष्ण कृष्ण और भी बात नहीं, वहां पर और भी बात कृष्ण कृष्ण बोल करके पात्र दे रहे हैं। जब दूसरे में पात्र लेता है तब संकल्प तो नहीं कृष्ण कृष्ण, जैसे कोई झाड़ लगा नहीं वो बोले मतलब एक नहीं कृष्ण कृष्ण तीर्थ लगा झाड़ पर तीर्थ लगा, वहां जितने सारे काम कर रहे थे सब कृष्ण नाम के साथ में। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे थे महाप्रभु ऐसे क्यों कर रहे थे, हर बात बात में ये कृष्ण कृष्ण बोलने के सारे काम क्यों कर रहे थे। यहाँ पर दिखा देते हैं कभी कृष्ण नाम के द्वारा ही गीता कल्याण है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं ना तेज तो धर पर जन्म भव महादाकरण विद्यावन आनंदावर्धन प्रतिपदन पूर्णावादन सर्वात्म परम कृष्ण संकीर्तन। महाप्रभु बता है ये कृष्ण नाम की कीर्तन तो क्या होगा, इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं हाथों के तो सेवा करो लेकिन उनमें क्या करो भगवान का नाम करो। जैसे महाप्रभु बताए एक लाख नाम करो, बोले भैया दिन भर हम सेवा करते हैं हमारे पास में समय था आप बता दो एक लाख नाम करने के लिए। फिर अगर हम हाथों में सेवा करेंगे अगर मुंह में सराबी आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, अगर दिन भर आप भगवान नाम लेते रहोगे तो है क्या होगा एक लाख नाम पर एक लाख नाम अगर उन्हें सराबी अगर भगवान नाम को सराबी लेकर एक नाम पूरी हो जाएगी ना। इसलिए किसी कृष्ण नाम को बढ़ा भी ये शेष रूप जो दर्पण है उसकी जो तरह तरह जो काई बन गया वो काई दूर वेद होगी मेरी कृष्ण शिक्षण को धर्म होगी। इसलिए जैसे काई बन करते हैं ना हम क्या करते हैं, काई को निकालने के लिए कोई को पता है क्या बोलते हो कोई जिसमें मिट्टी करते हो क्या बोलते हैं मिट्टी को डालते ही कहते हो मिट्टी को हमारा हृदय में ये तरह तरह का कामना वासना रूपी द्वारा हमारा हृदय एक सब दशा हो गया है। तब उसको निकालना तो क्या करनी चाहिए काल को जैसे स्त्री स्त्री को लेकर स्त्री एक स्त्री स्त्री में जब ही जगह एक हंसो उदाहरण और एक एक होता है इसलिए उसको द्वारा क्या करते हैं जैसे काई बन गया उसको निकाल कर हमारा हृदय में जो काई बन गई हृदय में जो अनर्थ कर दिया जब आप ये कृष्ण नाम को करेंगे हृदय से सारी काई हृदय से सारी अनर्थ हमारे दूर हो जाएगी। भव महादाबा में महाभावादी जन्म वृद्ध दुख कट चिर पार के लिए
संसार
ज्ञान से लेके गिरफ्तार के लिए महाप्रभु के पास में चले गए। इसलिए महाप्रभु ने आशीर्वाद करते हैं जिसका भजन सही सही नहीं होता है क्या करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों को सेवा से ही भगवान बहुत जल्दी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवत भक्ति को प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु जो मार्जन जो लिखा है बार इसका तात्पर्य को यहाँ पर बताते हैं। अपना हृदय रूपी मंदिर को साफ करके अपना हृदय में सभी भगवान जगन्नाथ जी आ गए हैं, हमारे हृदय में बैठ सकते हैं। जब भगवान हृदय में बैठेंगे फिर हमारे जीवन धन्य हो जाएगी। कल आपने एक श्रीजन महाप्रभु जगन्नाथ को कैसे 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 ये सुंदरा दल द्वारका से अपना हृदय मंदिर में बैठा करके ले जा रहे हैं। सुंदरा दल वृंदावन कैसे ले जा रहे हैं, जगन्नाथ जी कैसे आते हैं, उनको कल स्नान जाता है जगन्नाथ, कल जगन्नाथ जी स्नान करेंगे, इसमें स्नान करके ठाकुर जी कल स्नान मिल जाएंगे और पंद्रह दिन के लिए ठाकुर जी पूरा मंदिर में चले जाएंगे। पंद्रह दिन में ठाकुर जी दर्शन करते जगन्नाथ पूरे देश के